बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट, कक्षा है दूसरी, कार्यपत्र है 11। बच्चों आज का उपविषय है मेरा विद्यालय। तो देखिए बच्चों आप सभी विद्यालय जाते हो, ठीक है। तो आप विद्यालय में क्या क्या सीखते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर सीखते हो, ठीक है, और नई नई चीज़ें आपको वहाँ सीखने को मिलती है। तो आज हम सभी पढ़ेंगे विद्यालय के बारे में। पहला प्रश्न है सही अथवा गलत कथन का चयन कीजिए। बच्चों को विद्यालय में वर्दी पहनकर आना चाहिए, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को शिक्षक का अभिवादन करना चाहिए, बिल्कुल सही। खेल पुस्तकालय में खेले जाते हैं, गलत। हमें कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को प्रत्येक कार्य दिवस में विद्यालय जाना चाहिए, बिल्कुल सही। विद्यार्थी अक्सर प्रार्थना सभा के दौरान चुटकुले सुनाते हैं, गलत। प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को पुरस्कार दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे सोते हैं, बच्चों गलत है। यहाँ बच्चे सोते नहीं हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। हमें पुस्तकालय में पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, बिल्कुल सही। विद्यार्थी किताब से पृष्ठ पन्ने नहीं फाड़ते हैं, बिल्कुल सही। अगला देखिए बच्चों, विद्यालय में मिलने वाली चीज़ों की पहचान कीजिए। अब देखिए बच्चों आप सभी को स्कूल जाते हैं तो आप सभी स्कूल में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, जैसे शाम पट आप देखते होंगे, चौक आप देखते होंगे, कुर्सी टेबल ये सभी चीज़ें आप देखते होंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, ये है बच्चों हमारा शाम पट, ठीक है, ब्लैक बोर्ड जिसे हम कहते हैं। ये है हमारी चौक, ठीक है बच्चों। ये है हमारी डेस्क, ये है हमारी कुर्सी, ये है किताबें, ठीक है, ये है बच्चों मेज, और ये है ग्लोब, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल जैविक हरी खाद। जैविक हरी खाद हरे कार्बनिक पदार्थों का ढेर है, जैसे रसोई का गीला कचरा जिसे पत्तियां मिट्टी जैसे भूरे रंग के कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। जैविक हरी खाद को निम्न का पुनः चक्रण करके बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, हरी खाद जो है हरे कार्बनिक पदार्थ का ढेर है, जैसे रसोई का गीला कचरा जिसे पत्तियां मिट्टी जैसे भूरे रंग के कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। जैविक खाद देखिए बच्चों पुनः चक्रण करके बनाया जाता है। किन किन का? खाद अपशिष्ट, सब्जियों और फलों के छिलके, अंडे के खोल, सूखी पत्तियां और सूखी घास। इसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने और घरेलू कचरे का पुनः चक्रण करके पर्यावरण को साफ रखने के लिए किया जाता है। चित्रों को देखें और उन वस्तुओं की पहचान करें जिन्हें हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम जैविक खाद के रूप में, हरी खाद के रूप में काम में लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सूखी पत्तियां, हरी पत्तियां, ठीक है बच्चों, इसे हम काम में लेते हैं। ये है बच्चों सब्जी व फलों के छिलके, सब्जियों व फलों के छिलके, इसे भी हम काम में लेते हैं, ठीक है। ये है खाद अपशिष्ट, बचा हुआ खाना जो है, खाद अपशिष्ट, इसे भी हम लेते हैं। ग्लास, इसे हम नहीं लेते। प्लास्टिक को भी नहीं लेते। और अंडे के खोल को भी हम काम में लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अंडे के खोल, ठीक है बच्चों। तो जिन्हें हम जैविक खाद के लिए इस्तेमाल करते हैं हमने उन सभी के नाम यहाँ पे लिखे। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 11 अगस्त हरियाली तीज। हरियाली तीज को छोटी तीज और श्रवण तीज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बच्चों, हरियाली तीज को हम छोटी तीज भी कहते हैं। इस बार हरियाली तीज 11 अगस्त को मनाई जाएगी। सफलता का सूत्र सरल है, सही काम करें, सही तरीके से करें और सही समय पर करें। खाना पीना, खिचड़ी दलिया इडली और ढोकला इत्यादि हल्के आहार को भोजन में शामिल करें। गतिविधि अपने घर के आंगन या गमले में पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना। खेल आंखें बंद करके चेहरा छूकर अपनी मम्मी पापा दादा दादी व भाई बहन की पहचान करना।
दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं और अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।